वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, इससे आपको आगे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीपम नमस्तुते। नमस्कार, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। हिंदू धर्म में दीपक का महत्व काफ़ी अधिक है और इसे जलाना काफ़ी पवित्र माना गया है। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले और पूजा के दौरान दीपक को ज़रूर जलाया जाता है। पुराणों में दीपक का महत्व बताते हुए लिखा गया है कि दीपक की लौ काफ़ी पवित्र होती है और पूजा करते समय दीपक जलाना काफ़ी उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में भी दीपक को जलाना काफ़ी अच्छा माना जाता है, इससे हमारे घर का वास्तु दोष खत्म होता है। आप सब जानते होंगे कि बिना दीपक जलाए पूजा करने से पूजा को असफल माना जाता है, इसलिए जब भी कोई पूजा की जाती है सबसे पहले दीपक या फिर ज्योत प्रज्वलित की जाती है। दान, आप जब भी दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा पूरी होने के बाद कम से कम आधे घंटे तक वो दीपक जलता रहे, क्योंकि जितनी देर तक जलता रहता है पूजा का लाभ उतना ही अधिक मिलता है। दीपक जलाने से ना केवल पूजा सफल होती है बल्कि जीवन की कई परेशानियों से भी निजात मिल जाती है। दीपक जलाने से हमारे घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, इसीलिए कहा जाता है कि दीपक पूजा के बाद भी जलता रहे तो घर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है, उसकी जो लौ होती है उससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। दीपक को या दिशा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सही दिशा में दीपक को जलाया जाए तो धन में वृद्धि होने लगती है। धन वृद्धि हेतु आप हर रोज़ एक दीपक जो जलाते हैं पूजा के समय उसे उत्तर दिशा में रखें। आज की वीडियो में मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, अगर उसका जाप आप 3 बार जब भी अपने पूजा के समय आप दीपक जलाते हैं या फिर ज्योत प्रज्वलित करते हैं 3 बार आप इस मंत्र का उच्चारण कर लें, जितनी भी बड़ी समस्या हो वो खत्म होगी, जितना भी बड़ा दुश्मन हो वो आपके आगे घुटने टेक देगा। वो मंत्र क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 3 बार इसका उच्चारण करना है जब आप सुबह पूजा के समय ज्योत जलाते हैं या दीपक जलाते हैं उस समय, और फिर आप देखेंगे कि दिनों में ही आपके जो रुके हुए काम हैं, जो आपके कामों में बड़ी से बड़ी समस्या आ रही है या फिर जो आपके दुश्मन हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब आपके हक में चलने लगेगा, आपके हिसाब से चलने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी और आपके काम आप खुद ब खुद देखेंगे किस तरह से बनने लगेंगे। आप भी इसे अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें, इस विधि को आप देखेंगे किस तरह आपके काम बनने लगेंगे। और अगर ज्योत में या दीपक में आप कपूर और 2 लौंग और डालना शुरू कर दें तो उससे आपका नज़र दोष भी खत्म होगा, आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म होगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमें करते रहना चाहिए। इसके अलावा मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि अगर ग्रह से कुंडली से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे कुंडली देखने के चार्जेस हैं, क्योंकि हमारी जो हर प्रॉब्लम है, हमारी हर प्रॉब्लम हमारे ग्रहों से जुड़ी है। अगर कुंडली के ग्रह नीच हो जाएं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, वो चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे हमारे काम से रिलेटेड हो, चाहे शादी में देरी हो, संतान में देरी हो, हर प्रॉब्लम हमारे ग्रह से जुड़ी है। अगर उसके उपाय कर दिए जाएं तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर आपके पास अपना सही जन्म समय या जन्म तारीख नहीं है तब भी आपकी कुंडली तैयार हो सकती है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए, नीचे जो नंबर दिया है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। मैं उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी और ऐसी वीडियोस देख सकें। मैं आंचल अब आपसे इजाज़त मांगती हूँ, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय माता दी।